Hello, hi guys, I am Ghanshyam sir. Today again I am in live class and today it is a grammar section. और हम लोग grammar section में पढ़ रहे थे article. Article में हम लोग पढ़ चुके थे use of a, an. उसके बाद हम लोग पढ़े थे use of the. ये सब पूरा complete है और यहाँ तक के बाद जो बच गया है no use of article पढ़ना है. No use का मतलब article का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होना चाहिए, इन चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना. और आर्टिकल में तीन चीज आते हैं, ए, एन और डी. इन तीनों का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, उनसे हम लोग बचेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ नहीं होता है. शुरुआत करते हैं और ये प्रथम रूल है. और प्रथम जो रूल है वह प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन जो भी हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, राम, सीता, गीता, मोहन, पटना, दिल्ली, समस्तीपुर, ये प्रॉपर नाउन है. और प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल, यहां पर आप ए लगाते हैं तो ये भी नहीं होगा. यहाँ पर हम इसके पहले अगर द भी लगा देते हैं तो कोई भी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा. अगर लगाते हैं तो वह गलत है. प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है. तो रूल प्रथम था ये, प्रॉपर नाउन के पहले. आप लोग लिख भी सकते हैं, वैसे आपको मेटेरियल मिल भी जाएगा. प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, या कुछ भी प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर के पहले नहीं होता है. अब हम लोग सेकेंड रूल मारते हैं और इसी प्रॉपर नाउन का नोट भी लिखते हैं. ये रूल था और नोट लिखते हैं. नोट नंबर 2-3 चलेगा. तो नोट नंबर 1 हम लोग लिख रहे हैं. नोट नंबर 1 को हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे. प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग ये जानते हैं प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है. लेकिन प्रायः का मतलब होता है कुछ बच जाते हैं, कुछ 99 में कुछ कमी होता है, 1% या आप जानते होंगे 10% ले लीजिए. तो 1% या 10% जो बच जाते हैं कहाँ होता है, जब प्रॉपर नाउन को डिफिनिट करके बताया जाए, उससे निश्चितता करके बताया जाए, दर्शाया जाए, तब ऐसी अवस्था में प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है. और ऐसी अवस्था में खास करके द, ए, कुछ भी हो सकता है. इसको एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं. प्रॉपर नाउन के पहले प्राय नहीं होता है, लेकिन जब उससे निश्चितता करके डिफिनेट करके बताया जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है. जैसे काली दास वाज द सेक्स पियर ऑफ इंडिया. सी इज द लता मंगेशकर ऑफ बिहार. अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं नोट नंबर 1 में, हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नोट में हम लोग देख रहे हैं. वैसे आपको एग्जाम में प्रॉपर नाउन किसे आएगा, नोट नंबर आपको कंपटीशन में आते हैं, सबको देखना पड़ता है. और यहाँ कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया. अब यहाँ पर शेक्सपियर जो देख रहे हैं हम लोग, ये प्रॉपर नाउन है. प्रॉपर नाउन है तो यहाँ उस प्रॉपर नाउन से पहले दो का प्रयोग हुआ है तो नहीं होना चाहिए. तो यहाँ कालिदास की जो तुलना किया जा रहा है किसी दूसरे से किया जा रहा है, दूसरे व्यक्ति से, और वो व्यक्ति है शेक्सपियर. इस जगह किसी व्यक्ति से किया जा सकता है तो यहाँ पर तुलना दर्शाया जा रहा है. और वैसे भी आप जानते हैं इसे पहले दो वाला पढ़े, ऑफ वाला पैटर्न हो तो प्रथम नाउन दुनिया का कोई भी हो, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, मेटेरियल नाउन हो, उस नाउन के पहले आपको दो का प्रयोग होगा. तो यहाँ भी दो का प्रयोग हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देते हैं, ये प्रथम एग्जाम्पल था, सी द लता मंगेशकर. लता मंगेशकर कोई प्रॉपर नाउन है तो यहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए. वैसे तो आपको मालूम चल गया है कि ऑफ वाला पैटर्न है. ऑफ वाला पैटर्न में हमने आपको बताया कोई भी नाउन रहे आप यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे.
ठीक ना। यहाँ पर इसने एक क्वेश्चन आप देखे होंगे कि अगर किसी व्यक्ति की गुण की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से किया जाए तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं, या ए भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप यहाँ पर द भी कर सकते हैं। तो और वाला पैटर्न है तो द का प्रयोग करें, अगर और वाला पैटर्न नहीं होता, अगर ऐसा रहता सी इज ए लता मंगेशकर तो यहां पर हम ए का प्रयोग कर सकते, यहां पर भी व्यक्ति का गुण का ही तुलना हो रहा है, लेकिन यहां पर भी गुण का तुलना हो रहा है, दोनों में अंतर यह है यहां द लगाया और यहां ए लगाया, गुण की तुलना ही हो रहा है, यहां द लगाने का कारण यह है कि यहां ऑफ वाला पैटर्न है और यहां ए लगाया, यहां ऑफ वाला पैटर्न नहीं है, कि जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से किया जाए और दूसरे व्यक्ति में उसकी पूर्ण गुण मिल जाए तो ऐसी अवस्था में हम लोग ए और आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ऑफ वाला पैटर्न में द का प्रयोग और विदाउट ऑफ वाला में हम लोग करते हैं ए का प्रयोग। अब नोट नंबर हम लोग 3 करेंगे, इसको हम मिटाते हैं, नोट नंबर 1 हो चुका है, नोट नंबर 2 नोट नंबर 2 के अंतर्गत हम लोग ये समझेंगे प्रॉपर नाउन को हम लोग एक में समझेंगे, पढ़ाया प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता, सेकंड में देखिए जब गुण की तुलना हो तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है और ऑफ वाला में आपको द होगा और बिना ऑफ वाला में ए होगा, ये देख लें। नोट नंबर 2 में देखेंगे जब एक ही प्रकार के व्यक्ति की नाम हो और उसमें एक ही प्रकार के व्यक्ति हो, नाम वाला व्यक्ति हो और उसकी संख्या ज्यादा हो तो उस ऐसी अवस्था में भी उस व्यक्ति के नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे, जैसे कॉल द अजय ऑफ क्लास 10। जब एक ही नाम के एक से अधिक व्यक्ति हो, यानी अजय नाम के एक से अधिक व्यक्ति हो और किसी एक को हमको उस समूह में से अलग करना हो, तब ऐसे अवस्था में उस व्यक्ति के पहले हमको द का प्रयोग करना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन खास करके हम लोग को कंपिटिशन एग्जाम में आते हैं और यहाँ अजय प्रॉपर नाउन है, आर्टिकल नहीं होना चाहिए और उस भीड़ से अलग कर रहे हैं कि हमें अजय को बुलाना है, तो अजय की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन इस जो अजय को बुला रहे हैं वो अजय है क्लास 10 का, या मान लीजिए अपने क्लास का कोई अजय है, इसी क्लास में तो 3 विद्यार्थी हो जाए तो इसको हम इंडिकेट करना होगा, कॉल द अजय हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। अब इसी क्लास में कोई विद्यार्थी है, अजय की संख्या एक से अधिक है, मान लीजिए अब क्लास 10 होगा 11 होगा तो वहां की संख्या से हम बुला तो लिए, अगर एक ही क्लास में अधिक संख्या ज्यादा हो तो कैसे बुलाएंगे, कॉल द अजय, हो सकता है कि अजय अलग अलग बैठे हो, कॉल द अजय हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच। तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नोट नंबर 1 में हम लोग पढ़े हैं जब एक व्यक्ति की गुण की तुलना दूसरे से किया जाए और ऑफ वाला पैटर्न हो तो द का प्रयोग होगा। नोट नंबर 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब एक ही नाम एक ही प्रकार के नाम के एक से अधिक व्यक्ति हो तो उसको समूह में से अलग करने के लिए उस प्रॉपर नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम लोग नोट नंबर 3 पढ़ेंगे, प्रॉपर नाउन के पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नोट नंबर 1, 2 और इस समय नोट नंबर 3 को हम लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ता है, इन सारे कंडीशन को याद रखेंगे तो आपसे गलती नहीं हो सकता, और ये कंडीशन या नोट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे क्या हो सकता है, जब किसी भी प्रकार के प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो उस प्रॉपर नाउन के पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग, खास करके ऐसे अवस्था में व्यक्ति ही रहते हैं, अगर कोई व्यक्ति के नाम तो प्रॉपर नाउन है और उस व्यक्ति के नाम के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए, एक एडजेक्टिव आ जाए उस एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे गांधी जी ग्रेट, आप यहां देख रहे हैं ग
गांधी जी लिखा हुआ है, ये गांधी जी प्रॉपर नाउन हो गए, प्रॉपर नाउन गांधी जी प्रॉपर नाउन हो गए। और गांधी जी से पहले ये जो आया है ये आपका एडजेक्टिव है, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले आपको द का प्रयोग करना होगा। जैसे नेहरू, नेहरू जी, और नेहरू जी के पहले कोई भी एडजेक्टिव आ जाए जैसे इमोर्टल, तो इमोर्टल ये एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के पहले क्या होगा, द होगा। अगर प्रॉपर नाउन के पहले किसी प्रकार के एडजेक्टिव आए उस एडजेक्टिव के पहले आपको द का प्रयोग होगा। जैसे रावण, उसको इंग्लिश में इस तरह लिखे जाते हैं जैसे रामायण को रामायण, उसी तरह रावण को, और रावण के पहले विक्ड आता है, विक्ड में दुष्ट होता है, और ये एडजेक्टिव है। प्रॉपर नाउन के पहले कोई एक एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव के पहले आपको द का प्रयोग किया जाएगा। ये नोट नंबर आपका 3 था, प्रॉपर नाउन पहले समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 2। अब आइए हम लोग रूल नंबर 2 इस पर नोट कर लीजिए। रूल 2 के अंतर्गत पहले हम लोग नाउन से शुरुआत किए हैं, पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, उस तरह से मटेरियल नाउन आते हैं, कलेक्टिव नाउन आते हैं। तो ऐसे कौन कौन नाउन है जिनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है उस चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। अब ये 2 नंबर में जो आया है ये हम लोग देख रहे हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे हो गया आपका गोल्ड, राइस, वाटर, मिल्क, शुगर, ये मटेरियल नाउन हो गया। और किसी भी मटेरियल नाउन के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल चाहे वो ए हो, एन हो और डी का प्रयोग नहीं होता है। अगर यहाँ पर ए, एन और हम डी का प्रयोग करेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मटेरियल नाउन के पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो ये मटेरियल नाउन हो गया, इसको आप लोग रूल 2 के अंतर्गत देखिए। अब हम लोग इसी का इसके अंतर्गत भी जब इसे डिफिनिट कर दिया जाए, जब इसे निश्चितता करके बताया जाए, तब ऐसी अवस्था में इसके पहले द का प्रयोग होता है और ऐसी अवस्था में ऑफ वाला पैटर्न होता है। हम लोग आगे देखते हैं, जब मटेरियल नाउन को डिफिनिट करके दर्शाया जाए, निश्चितता करके बताया जाए, तो ऐसी अवस्था में मटेरियल नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जब किसी मटेरियल नाउन को निश्चितता करके उसका इंग्लिश होता है डिफिनिट करके दर्शाया जाए, तब मटेरियल नाउन के पहले भी आपको आर्टिकल द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं मिल्क, मिल्क इज वाइट, Gold is a precious metal. Water is useful for us. Sugar tastes स्वीट। ये सभी के सभी मटेरियल नाउन है और यहां पर डिफिनिट नहीं किया जा रहा है। मिल्क इज वाइट, इसका हिंदी निकालेंगे तो दूध उजला होता है, दूध तो उजला ही होता है, यहां डिफिनिट करके नहीं दर्शाया। अगर इसी में था मिल्क इज डर्टी तो ये डिफिनिट क्या होता है, मिल्क इज वाइट दूध उजला होता है, गोल्ड इज प्रेशियस मेटल धातु यानी सोना जो कीमती पदार्थ होते हैं या सोना कीमती होते हैं ये तो सत्य है। वाटर इज यूजफुल फॉर अस, पानी हमारे लिए उपयोगी है। शुगर टेस्ट स्वीट, और चीनी जो होता है मीठा होता है। तो ये प्रॉपर यहाँ पर हम देख रहे हैं ये मटेरियल नाउन है, इसके पहले आर्टिकल नहीं होगा। लेकिन इसी में देखिए एक अगला क्वेश्चन नोट में जो हम लोग लिख रहे हैं, नोट वाला जो एग्जाम्पल होगा द गोल्ड, द
The goal of this ring is not pure. अब यहां देखते हैं, एक तो ऑफ वाला पैटर्न है, ये हम लोग जानते हैं। ऑफ वाला पैटर्न में नाउन चाहे जो भी हो, नाउन चाहे जो भी, उस नाउन के पहले हमको आर्टिकल द का प्रयोग होगा। और जब भी ऑफ वाला पैटर्न हो तो नाउन को डिफिनिट कर दिया जाता है, यानी कोई अंगूठी है, कोई निश्चित अंगूठी, इस या अंगूठी, कोई एक अंगूठी है, इस अंगूठी का जो सोना है वह शुद्ध नहीं है, यहां पर नाउन को डिफिनिट कर दिया जाता है। जैसे द मिल्क, अब ये मान लीजिए यहां पर तो ऑफ वाला पैटर्न नहीं है, यहां दो लगा दिया, द मिल्क इज डर्टी। इस मिल्क की चर्चा यहां पर हो रहा है, मिल्क के पहले आर्टिकल नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन यहां पर इसलिए हो रहा है, इसका हिंदी निकालेंगे तो निकल रहा है कि दूध गंदा है। वैसे दूध गंदा नहीं होता, लेकिन कुछ दूध जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो जिसके सामने हम कर रहे हैं, उसको पता है कि कौन सा दूध के बारे में चर्चा कर रहा है, इसीलिए यहां पर आपको दर्द का प्रयोग है, द मिल्क इज डर्टी। तो जब मेटेरियल नाउन को डिफिनिट कर दिया जाए तो ऐसी अवस्था में भी मेटेरियल नाउन के पहले भी आपको द का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये सारे एग्जाम्पल है, इसे आप नोट कर लें, फिर हम लोग रूल थ्री को पढ़ते हैं, आते हैं रूल थ्री को करेंगे। रूल थ्री में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन पढ़ लिए, मेटेरियल नाउन पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा जिसका एनजी होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जैसे ऑनेस्टी, ये ईमानदारी है, और इसको हम देख नहीं सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनुभव करते हैं, उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ऑनेस्टी, यहां पर हैप्पीनेस, पॉवर्टी, काइंडनेस, वीकनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, दया, वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, हैप्पीनेस मतलब खुशी, इन सबको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, और इसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इनके पहले आप किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ना तो द होगा जिसे हम लोग दी बोलते हैं, ना ए होगा और ना ही एन होगा। अगर हम बोल इस क्वेश्चन पूछा जाता है खास करके, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, कई बार आप एग्जांपल देखे होंगे, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। Happiness is everything. Everything. खुशी ही सब कुछ है। अब यहां देख रहे हैं ये abstract noun है, यहां पर आपको किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं होगा। Poverty makes man weak. अब ये पॉवर्टी है, इसके पहले भी आर्टिकल नहीं होगा। इसी तरह किसी भी प्रकार के अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सुनिश्चित करके, निश्चितता करके दर्शाया जाए, डिफिनिट करके दर्शाया जाए, तब उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग होता है, और ऐसी अवस्था में खास करके द का प्रयोग होता है। उसी लोग को देखेंगे, इसको नोट कीजिए, हम लोग नोट पढ़ लेंगे। अब हम लोग रूल, नेक्स्ट रूल को हम लोग देख रहे हैं, ये आपका फोर रूल है, और इस समय हम लोग जो देखेंगे प्लुरल नाउन, प्लुरल नाउन, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन। प्लुरल नाउन जो भी होते हैं उस प्लुरल नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, प्रायः नहीं होता है, इसका मतलब कहीं कहीं होता है और कहां होगा वो आगे बताएंगे, लेकिन प्रायः इसके पहले नहीं होता है। जैसे बॉयज, डॉग्स, कैट्स, काउज, चिल्ड्रेन,
ये सभी पुल्लर नाउन है, और पुल्लर नाउन के पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अगर इसके पहले आर्टिकल लगाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे, बॉय विल बी, विल बी बॉयज, डॉग्स आर हेल्पफुल एनिमल, एनिमल्स, कैट्स आर स्मॉल, काउज आर, काउज आर यूजफुल फॉर अस, चिल्ड्रेन आर नॉट। अब ये पुल्लर नाउन है, और हम जानते हैं कि पुल्लर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, तो प्रायः नहीं होता तो कहीं कहीं होता है, तो जब होगा तो डिफिनिट करेंगे इसको, निश्चितता करके बताया जाएगा तब इसके पहले होगा। और ऐसी अवस्था में खास करके ऑफ वाला पैटर्न ज्यादा रहता है, वैसे भी इस पैटर्न पे होगा, बॉय विल बी बॉय, लड़के लड़के होंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं इस नॉट को देखिए, बॉय द बॉय, द बॉयज आर इस लड़का के बारे में चर्चा हो रहा है, वह लड़का आ रहा है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, और आप जो सुन रहे हैं उस लड़का के बारे में आप अवगत हैं, उसके पहले ही आपको द का प्रयोग होता है, तो इसके अंतर्गत नोट आता है, तो हम लोग लिखेंगे पहले इस एग्जांपल को लिख लीजिए, फिर नोट को हम लोग पढ़ेंगे। नोट में लिखिएगा आप, अब नोट में ये लिखना है कि प्लुरल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, जब इसे निश्चितता कर दर्शाया जाए, डिफिनिट कर दर्शाया जाए, तब इस अवस्था में होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में बॉयज ऑफ दिस coaching are laborious, girls of this class are intelligent। ये intelligent है। अब तो एक देख रहे हैं, और बड़ा जब भी पैटर्न आता है कितना तो आप लोगों को जरूर मालूम हो चुका है कि ये डिफिनिट कर देता है, और बड़ा पैटर्न में तो होता है ऐसी अवस्था में, और बड़ा पैटर्न में किसी भी नाम के पहले आपको दगा प्रयोग होगा। और अगर और बड़ा पैटर्न नहीं भी रहता है तो अगर मान लेते गर्ल्स कर रहे हैं, गर्ल्स आर गोइंग, वैसे यहां नहीं होना चाहिए, ये तो बड़ा पैटर्न नहीं है। लेकिन अगर यहाँ हम दो लगा देते हैं आर्टिकल, तो यह उस लड़की के बारे में बात चर्चा हो रहा है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, जिसके बारे में आप पहले से पूर्व परिचित हो, तो वहां पर आपको द का प्रयोग होता है, चाहे वो सिंगुलर नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, मटेरियल नाउन हो, कुछ भी हो, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और उसके बारे में अवगत है, तो वहां पर हो जाता है। तो नोट नंबर भी हो गया, फिर अगला हम रूल देखेंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसके अंतर्गत आते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, द सेम, द अदर, एन अदर, any, a certain, or no। इसके बाद दुनिया का कोई भी नाम, वैसे तो दिस के बाद आएगा countable noun, uncountable noun हो सकता है, दिस वाटर, कोई भी नाउन आए चाहे वह countable हो uncountable हो, इस नाउन के, इसके बाद जो नाउन आता है इस नाउन के पहले नाउन जैसा भी हो, यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। अगर आर्टिकल किसी भी प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, आपको ए होगा
और ना ही एन होगा और ना ही डी होगा। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे दिस कॉ इज माइन, दिस कॉ इज माइन। हम देख रहे हैं एग्जांपल, दिस के बाद ये नाउन आया। यहां पर हम देखते हैं दिस इज कॉ, तो यही क्वेश्चन है। तो यहां पर हम आर्टिकल लगा देते हैं, फिर आप देखिए यहां पर नहीं होगा, यहां पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि दिस के बाद किसके बाद है, दिस के बाद, दैट के बाद, दिस के बाद, दोस्त के बाद, द सेम, द अदर, अनदर, एनी, सर्टेन, नो इत्यादि के बाद अगर कोई नाउन आए तो यहां पर आर्टिकल लगाने से बचेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लग रहा है ये सही है, एकदम सही है, लेकिन यहां पर नहीं होगा। अगर हम बोलते हैं दैट ट्री इज योर्स, दैट ट्री इज योर्स, और यही एग्जांपल को लेते हैं दिस इज ट्री, दिस इज ट्री, तो यहां ए होगा, ये सही है, लेकिन यहां पर ए का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि दैट के बाद आया। तो कहने का अर्थ है दिस दैट दिस दोस द सेम इत्यादि के बाद अगर नाउन चाहे सिंगुलर हो प्लुरल हो वहां पर आर्टिकल ना तो ए आएगा ना तो एन आएगा और ना ही द होगा। इस रूल को भी आप लिख लीजिए, नेक्स्ट रूल में बात करें। अब फिर से पोजेसिव एडजेक्टिव, माय, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर के बाद यहां पर अगर कोई नाउन आए, यहां पर अगर कोई नाउन आए, यह नाउन चाहे जैसे हो, यह नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, ध्यान रखेंगे इस नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, ए, एन और डी अगर यहां आता है तो किसी भी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में माय काउ, यहां पर ऐसे कर देते थोड़ा, माय काउ इज देयर, माय काउ इज देयर, योर ब्रदर इज हियर। इसी तो एग्जांपल पर एक दो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग आधारित पर, इसी दो एग्जांपल, आई हैव कॉ। अब फिर नेक्स्ट आई हैव ए ब्रदर, यहां पर देखें योर माय ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके तुरंत बाद जो भी नाउन आए यहां पर आर्टिकल नहीं होता है, यहां पर भी नहीं होगा, लेकिन यहां होगा, काव है और इसे काउंट करके दर्शाया जा रहा है, यहां होगा, पॉजिटिव से नहीं है, आई हैव ए ब्रदर यहां होगा, लेकिन यहां इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद है इसलिए नहीं होगा, इसे भी नोट कर लीजिए। अब अगला जो रूल है शायद रूल ये सतमा होगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब इस रूल पर हम लोग अच्छा से ध्यान से देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर पूछ जाते हैं। किसी भी भाषा के नाम, दुनिया में कई भाषे बोले जाते हैं, कोई भाषा हो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, तमिल, बंगाली, नेपाली, चाइनीज, किसी भी भाषा के नाम के पहले, इसका हेडिंग हो सकता है, किसी भी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब देख सकते हैं जैसे ही, नेहा, स्पीक्स, नेहा स्पीक्स हिंदी, और यहां पर हम ये खाली जगह दे दें, यहां पर ये नहीं कह सकते हैं नेहा स्पीक्स द हिंदी, भाषा के नाम आस्था, आस्था नोज उर्दू, उर्दू, इंग्लिश, यहां हम देख रहे हैं आस्था नोज उर्दू इंग्लिश भाषा है, किसी भाषा के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे वह भाषा में जो भी हो, तमिल, बंगाली, जो भी हो, ही कैन स्पीक
बंगाली आल्सो राम नोज नॉट ओनली तमिल बट आल्सो फ्रेंच। चाहे वो देसी भाषा हो या विदेशी भाषा हो, ही कैन स्पीक बंगाली। बंगाली एक भाषा है, यहाँ पर भी आके नहीं होगा। राम नोज नॉट ओनली तमिल, तो यहाँ ये भाषा है, यहाँ भी नहीं होगा। बट आल्सो फ्रेंच, ये भी भाषा है, यहाँ भी नहीं होगा। ही कैन स्पीक जर्मन एंड चाइनीज। ये सब भाषा है, भाषा के नाम के पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। ये आपका पार्ट टू वन के अंतर्गत मिलेंगे, और इसी में जो लेफ्ट रह जाते हैं तो उसे हम पार्ट टू के सेक्शन में आकर देखते हैं। आप सभी लोग इसे पहले बहुत अच्छा समझ लें, इसका पीडीएफ नोट लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उस समय उसको देख कर आप लिख सकते हैं, लेकिन समझने के लिए आपको यहाँ पर ही देखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू, आपको मिलते हैं तब तक अगले दिन। हैव ए नाइस डे।